नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में, मतलब हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में। इसका सिंपल टर्म में मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन्स बढ़ गए हैं, किसी कारण की वजह से वह बढ़े हुए हैं। तो वह कौन से कारण हैं और कौन कौन से इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, कौन सी इसमें जाँच होती हैं और क्या ब्लड रिपोर्ट में शो होता है, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होती है हमारे, और इसके एनाटोमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, राइट और लेफ्ट लोब इसके होते हैं, और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काफ़ी सारा काम थायराइड के द्वारा होता है। तो सिंपली हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड के हार्मोन्स बढ़ गए हैं, जिसकी हमारी बॉडी में इस तरह वाले सिम्टम्स आने लगे हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी हेयर फॉल, आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटने शुरू हो जाएंगे, एक्सेसिव प्रेस्पिरेशन होना शुरू होगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा। पसीना भी किस तरीके से कि किसी से अगर हम हाथ मिलाते हैं तो पसीना पसीना हाथ हो जाएगा। अगला आएगा इसमें कि हॉट फ्लैशेस उसको होंगे, उसके शरीर के अंदर से भप्पा निकलेगा, गर्मी निकलेगी, औरों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसके अंदर गर्मी फील होगी, इंटरनल हीट होगी, और देखने में सूखते चले जाएंगे, जबकि उनके खाने की जो डोज है वह बढ़ी हुई होगी, खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे और वह पतले होते चले जाएंगे, उनका वेट कम होता चला जाएगा, वेट लॉस होता चला जाएगा, उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी दिखनी शुरू हो जाएंगी। मतलब इसका मैं साइड में लगा दूंगा, इस तरह के पेशेंट को आसानी से पहचाना जा सकता है कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। पल्स देखते हैं तो काफ़ी फास्ट पल्स चलती है उनकी, इवन जब वह सोते हैं तब भी उनकी पल्स काफ़ी तेज चलती है। नॉर्मली तो होता है कि सभी के साथ के थोड़ा चल लिए, कूद लिए, एक्सरसाइज कर ली या फिर डर में पल्स बढ़ जाती है, लेकिन उनके साथ ये है कि वे नॉर्मली अगर सो भी रहे हैं तब भी उनकी पल्स हमेशा फास्ट रहती है। और यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की, मोस्टली देखा जाता है कि उनको दस्त रहते हैं, डायरिया उनको लगता रहता है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन डिजीज़ होती हैं, जो कि उनको पीरियड ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वह सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। वहीं पर देखने को मिलेगा पल्पिटेशन, मतलब हमारा दिल काफ़ी तेज तेज से धड़क रहा है। तो दोस्तों, अगर इतने सारे सिम्टम पेशेंट के अंदर हैं तो आपको समझना चाहिए कि पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, मतलब उसके शरीर के अंदर थायराइड के हार्मोन बढ़े हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर थायराइड के हार्मोन्स बढ़ गए हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण आता है दोस्तों नोड्यूलर गोइटर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर या फिर मल्टीपल नोड्यूलर गोइटर हम बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि थायराइड की जो यहाँ पे ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, वह पूरी बड़ी ना होके उसके बीच में या फिर साइड में कहीं पे भी नोड्यूल्स बनने शुरू हो गए हैं, गांठें बननी शुरू हो गई हैं। वह एक भी हो सकती है, चार भी हो सकती हैं और पांच भी हो सकती हैं। उसकी वजह से क्या हो, हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स बढ़ने लगे क्योंकि यहाँ का एरिया बढ़ गया। तो पहला कारण इसका ये है। सेकेंड है दोस्तों ग्रेव्स डिजीज़, जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वह पूरी कंप्लीट जो है बड़ी हो गई है, सूज गई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में और भी ज़्यादा सिक्रीजन बढ़ना शुरू हो गया है, थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गए हैं। ड्रग इंड्यूस में भी कई बार जो है थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं, अगर आप आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपने खाने में तो भी उससे हमारे शरीर के अंदर थायराइड के हार्मोन बढ़े मिलेंगे। और यहाँ पर अगर थायराइड की अगर टैबलेट चल रही है, मतलब सपोज कीजिए कि एल्ट्रोक्सिन आप ले रहे हैं और 25 की जरूरत है और आप उसको 100 में ले रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो इसके कुछ मेजर कारण थे, सिम्टम्स मैंने आपको बताई दिए हैं। और गोइटर में जैसे होता है, जिसको गोइटर होता है कि पूरी जो ग्रंथि है वह बड़ी हो गई है और ज़्यादा हार्मोन्स निकलने शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं इसको हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। चलो आपके अंदर सिम्टम्स ये हैं, अब इसका कैसे पता लगाएं कि आपके अंदर थायराइड है और कितना है। तो सिंपली इसमें सबसे पहले सोनोग्राफी कराई जाती है, इस जगह का आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो इसमें पता लगेगा कि कोई नोड्यूल है या फिर कोई एरिया बढ़ा हुआ तो नहीं चल रहा है। सेकंड में हम इसमें कराएंगे ब्लड की जांच, जो खून टेस्ट होता है, थायराइड टेस्ट होता है। इसमें दोस्तों देखने को मिलेगा आपको TSH, T3 एंड T4 की हम इसमें जाँच होगी। तो इसमें देखने को मिलेगा कि आपका TSH का जो लेवल है वह कम होगा, T3 और T4 का जो लेवल है वह बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इतनी ही जान से कंफर्म हो जाएगा कि आपको थायरोटॉक्सिकोसिस है या फिर हाइपर थायरॉइडिज्म है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसमें ट्रीटमेंट होता है। इसमें आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। होम्योपैथिक में किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मेडिसिन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे, और अगर आप नॉर्मली थेरापेटिकली मेडिसिन लेना चाहते हो तो आप इसमें आयोडियम क्यू, मदर टिंचर आयोडियम क्यू, जिसको
मैं आपको साइड में लिख दूंगा। आयोडीन क्यू आप ले सकते हैं 10 बूंदें इसकी दिन में 3 बार आधे कप पानी में, और साथ में इसके आप मेडिसिन ले सकते हैं कलकेरिया का 30 पोटेंसी में 5-5 बूंदें दिन में 3 बार। तो दोस्तों आप ये मेडिसिन लेंगे, आपका जो साइज बढ़ा हुआ है, नोड्यूल्स बने हुए हैं, वह घटने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, यहाँ पे सारी जानकारी दी मैंने आपको थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए। मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।